वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है थर्सडे और सुबह के 11 बज रहे। तो जस्ट अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया और ब्लॉग का टाइटल आप देख ही चुके हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी वाला दिन है क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। नोनी जो है फर्स्ट टाइम अपनी नानी के घर जा रहा है और जिस दिन का कब से वेट था, मतलब कितने सालों से वेट था, तो फाइनली वो दिन आ गया है। तो नोनी के नाना नानी बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। वो कब से वेट कर रहे थे नोनी का, दूर रह के उतना नहीं लगता है जितना पास में रह लगता है। हमारा घर यहाँ से करीबन आधे घंटे की दूरी पे है, तो मम्मी लोगों को ऐसा लग रहा था कि कब नोनी घर आए, कब जल्दी से हम उससे मिलें, तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो सुबह तो नहीं जा रही हूँ मैं क्योंकि सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, नोनी को नहलाना, कपड़े वगैरह वॉश करना और घर के और भी सारे काम। तो बाकी सारे काम तो निपटा दिए हैं, नोनी को नहलाना है और उसके बाद लंच वगैरह करके फिर नोनी थोड़ी देर सोता है ना दोपहर में, तो मैं सोची हूँ शाम को ही जाऊँगी क्योंकि जस्ट आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। लेकिन अपनी गाड़ी नहीं है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि यहाँ टैक्सी वगैरह नहीं रहती है, जीप रहती है। तो जीप से बाय जीप हम लोग यहाँ से जाएंगे और मैंने मम्मी को बोला कि वहाँ पे आ जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि ना बहुत सारा सामान रहने वाला है, जहाँ जाओ बच्चे के साथ बहुत सारा सामान हो ही जाता है, तो इसलिए अच्छा खासा टाइम हम वहाँ स्पेंड करके आने वाले हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे कपड़े और मतलब दो बैग तो मैंने पैक कर ही दिए हैं वहाँ के लिए, बैग वैग पैक हो चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट देते हैं और ये गुड न्यूज़ भी दे देते हैं। तो बस जन्माष्टमी का वेट कर रही थी और जन्माष्टमी के बाद मैं वहाँ जाने वाली थी। वैसे तो प्लान था कि रक्षाबंधन पे जाएंगे, लेकिन चाचा जी एक्सपायर हो गए और फिर दिन पूरे नहीं हुए थे और शुद्धि नहीं हुई थी वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ रक्षाबंधन का प्लान कैंसिल हो गया। बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुए क्योंकि रक्षाबंधन पे पहली बार ही आई थिंक मैं शादी के बाद घर आई थी और नोनी का तो पहला रक्षाबंधन था, तो मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ इसका। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो आज ही लिखा होगा नोनी नाना नानी के घर जाएगा। एक्चुअली ना हमारे गांव में पूजा भी है, तो इसलिए पूजा कल है, आज हमें जाना है वहाँ पे। तो कल मैं आपको अपने गांव भी लेके जाऊंगी, तो बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि फाइनली मैं करीबन 3 साल ही हो गए, 3 साल के बाद अपने घर जाऊंगी। इसलिए व्लॉग में बने रहिएगा और आगे भी अच्छे अच्छे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चों को ना मैंने फ्रूटी दिया ग्लास में डाल के, अब बताना नोनी क्या पी रहे हो? यू विल से जूस, बोलो बोलो आरो, आप बोलो क्या पी रहे हो? आरो आप क्या पी रहे हो बताओ, उसे बता दो। हाँ बोलो चू चू, और बोलो जूस, बोलो जूस, बोलो नोनिया बोलो जूस, बोलो चू। एक का खत्म हो गया, दूसरे से मांग रहे बेटा, दीदी को गिराएगा यार उस। अभी ना मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ क्योंकि लौकी इतनी सारी रखी हुई है, ये भी रखी है, उसके अलावा एक बड़ी सी लौकी तो कोई दे के गया था हमको पड़ोस में, तो वो भी रखी है। और ये मैंने घोल बना के रखा है लौकी के लिए और कोफ्ते के लिए, और ये है कल का रायता, तो रायते के साथ लौकी के कोफ्ते और चावल हम लोग खा लेंगे। तो ये कोफ्ते में बॉयल आना बाकी है और ये कोफ्ते बन गए हैं। ये कल के राइस बचे थे लेफ्ट ओवर, तो ना इसके मैंने वो बना दिए जीरा राइस। बाकी आज के लिए ये राइस है और सैलेड के लिए खीरा कट कर लिया है। इवनिंग तो शाम के 4:30 बजने वाले हैं और नोनी सो के उठ गया है। नोनी और आरू दोनों एक ही साथ उठे आज, दोनों के उठने की टाइमिंग सेम थी। और क्या हुआ, मैं तो पहले से रेडी थी, नोनी को भी जैसे उठा वो रेडी कर दिया मैंने। इतना सारा सामान पापा जो है अभी स्टेशन में छोड़ने गए हैं। पापा ना बैग पहुँचा के आएंगे स्टेशन में, उसके बाद हम जाएंगे बाइक में। तो अभी एक दो चीज़ें और हैं, जैसे नोनी का पॉटी सीट और ये मेरा ट्राईपॉड। हाँ बेटा रखो, पैसे निकाल निकाल के दिखा रहा हो और बोल रहा है पेस पेस। जो है आ गए हैं और हम जा रहे हैं नानी के घर, करीबन आधे एक घंटे में आप पहुँच जाएंगे। आरू आ रही है उनको छोड़ने के लिए। नानी चल देख, उधर देख, कहाँ जा रहे हो? कौन है देख, हंसी आई। Thank you.
पहचान लिया नानी को, नोनी आगे आगे चल रहा है। जैसे इसे नानी के घर का रास्ता पूरा पता है अच्छे से। कहाँ जाओगे बेटा? हाँ तो नोनी को लेने के लिए उसकी अप्पी दीदी आई है, अर्पिता, शी इज अर्पिता माय नीस। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं, आधे रास्ते पहुँचे तो मैंने मम्मी को दोबारा से बुलाया। यहाँ पे सब जगह पे वो लगे हुए, ये मक्के के खेत हैं यहाँ पे सब जगह पे ना, कुछ तो सूख भी गए इस वजह से पूरा भरा भरा लग रहा है। अब होने वाले हैं ना ये मक्के, और क्या भट्ट है ना, भट्ट भट्ट भी लगाए हुए हैं, भट्ट के डुक्के जो मैं, हाँ भट्ट और मड़ुआ, मतलब पूरा पहाड़ी है यहाँ पे इलाका। नानी के घर आ गए बेटा, ये आ गया नानी का घर। वाह, नानी के घर में मिर्ची लगी है। वाह वेलकम, नानी का वेलकम, ना प्यारा बनाया देखो। नोनी के घर आने की खुशी में नाना नानी और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। तो यहाँ पे सब लोगों ने मिलके काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया था, बलून वगैरह लगाए थे, और मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो घर आके मैंने ये सारी चीज़ें देखी ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और अपने घर में नोनी को फर्स्ट टाइम लाके बहुत अलग सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम बहुत सालों से वेट कर रहे थे, फाइनली नोनी अपने नानी के घर आ गया है, और बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर रहे थे, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। नोनी देखो, नानी के घर में आते ही भागना शुरू। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ऊपर, ऊपर वाले पोर्शन में। ये आप पहली बार ही देखेंगे, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ बन ही रहा था पूरा। मैं डिटेल में मतलब बाद में दिखाऊंगी, अभी वैसे भी सब लॉक करके रखा हुआ है मम्मी ने। तो यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ आपको, सब जगह पे ना वो लगे हुए हैं, ये भांग है और मक्के भी लगे हुए हैं, बहुत सारी खेती लगी हुई है। नोनी इज़ वेरी हैप्पी, नोनी को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये देखो नोनी की एक्साइटमेंट, दादा दादी इसको मिस करेंगे लेकिन उधर। नानू से शर्मा रहा है, हाँ बेटा। तो 8:15 बज गए हैं अभी रात के, बाहर एकदम अंधेरा हो गया है। ये हमारा हैंडपम्प, और हम दूसरे वाले रूम में जा रहे हैं बाहर, इस वाले रूम में। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ, वाओ इट्स अ सरप्राइज। तो मैं दिखाती हूँ आपको, पहले नोनी का रिएक्शन, नोनी का सरप्राइज। पहले नानी की बिंदी लगा के बैठा हुआ है, ये देखो इतना प्यारा डेकोरेट किया है सिर्फ नोनी के लिए। नोनी आपके लिए देखो नानी ने क्या किया, नानी और दीदी मैंने दोनों ने मिलके, अपी दीदी ने, थैंक यू अपी, इतना प्यारा डेकोरेट किया है ना। और है ये प्यारा सा केक, वेलकम नानू एंड बुआ। बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज हमारे लिए यहाँ पे रेडी किया है मम्मी ने और सबने मिलके, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा केक है ये, और नोनी बहुत खुश हो गई है इसे देख के। ये देखो डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है, वाव। यहाँ
पे लाइट थोड़ा सा कम थी, इस वजह से वीडियो उतना प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन ये मोमेंट हमने काफ़ी इन्जॉय किए और बहुत मज़ा आया। खासकर नोनी ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि उसे केक खाने को मिल गया। तो इस तरह की चीज़ें मैं उसे कम खिलाती हूँ, लेकिन ऐसे मौक़ों पर कभी कभी खिलाना चलता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नोनी किस तरह से उसने केक पे अटैक कर दिया। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही टेस्टी केक बनवाया था सबने। नोनी ने क्या हाल बना दिया, ये देखो ये देखो। बस चलो आओ चलो आओ। मॉर्निंग, सुबह के 9 बजने वाले हैं, आज हो गया नेक्स्ट डे और नोनी यहाँ पे आई है। नोनी इधर देखो, से हाय। हाय नोनी, बहुत हैप्पी है। और हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए हैं गांव जाने के लिए। तो मैंने कल बताया था हमारे गांव में पूजा है, तो सुबह करीबन 6 बजे 6:30 बजे हम उठ के तैयार हो गए नहा धो के और अब हम जाएंगे पूजा में। तो नोनी पहली बार अपने गाँव जाने वाला है, तो मैं आपको हमारा गांव दिखाऊंगी। वैसे मैंने पहले शेयर किया हुआ है वीडियोस में। तो सब लोग रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और रात को यहाँ पे बारिश हुई थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंड लग रही है, तो इसलिए ना मैंने उसको इनर पहना दिया है। तो यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं होता, कभी इतनी गर्मी होती है और बारिश होती है तो एकदम ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको इनर पहनाया ताकि ठंड ना लग गया। नोनी लेकिन मुझे नहीं लगता है घर पहुँचने तक ये अपने कपड़े ठीक ठाक रखेगा, है ना। जाओ नाना जी के पास, फोन नाना जी के पास, फोन वो देखो तो फोन। नोनी को ना बाहर घूमना है। जय जय। तो हम निकल गए हैं घर के लिए, गांव के लिए, और कार में जाएंगे नीचे। भैया भाभी रहते हैं, भैया भाभी का घर नीचे है, तो सब साथ में जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मार्केट जाना है, शॉप में से घर के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, तो वो ले जाएंगे। नोनी को दिखाती हूँ मैं, वो नानी की गोद में है। बाय। और ये मम्मी लोगों के खेत है, इसमें मड़वा लगा हुआ है। तो हमारा गांव यहाँ से करीबन आधे घंटे की दूरी पे है और हम भैया भाभी की कार में गए थे सब लोग, पूरी फैमिली एक साथ। और मौसम इतना अच्छा था ना, क्योंकि रात को बारिश हुई थी और बारिश के बाद पहाड़ इतने सुंदर लगते हैं, मैंने पहले भी दिखाया था, शेयर किया था। और जब यहाँ पे फॉग लगता है और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो बस मन कर रहा था देखते ही जाओ। और इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना अपने गाँव अपने जगह पर जाते हुए, तो वो खुशी तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ की ब्यूटी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, और जो पहाड़ों में रह चुके हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनको पता ही होगा। और जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो हमारे पहाड़ों की खूबसूरती देख ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम लोग पहुँच गए गाँव, मामी के पास आ गया नोनी। हाय बोल दो भाभी, हाय बोल दो। ये है मेरी बड़ी भाभी। हाय नोनी आ गया मामी के पास, अपी की मम्मी अपी। चलो गांव आ गए ना। क्या करेगा बाबू पैस? ये हमारे गांव का मंदिर। क्या करेगा पैस? आ रही बेटा, मम्मा आ रही। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे और नोनी मामी के साथ में। केले के पेड़ भी हैं, माल्टे भी हैं, और क्या क्या है, ये भांग। पहाड़ों में आपको भांग जरूर मिलेगा। और यह है अरबी, पहाड़ी अरबी। फिर मैं दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं ताई के घर। जो भैया हमारे देहरादून में आए थे ना, उनके घर, वो गांव में रहते हैं। अरे भैया इधर अपना नाम ठीक हो, कहाँ है ये भी, कहाँ है? आ गए भैया के घर, सोया है भैया के घर, आ गए हम लोग। मामा नोनी पहचाना मामा को? अंकु मामा, मामा है बेटा। करो नोनी वो भैया, तो नोनी और भैया की दोस्ती हो गई है। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाँ पकड़ो, हाथ पकड़ो। हैंडशेक, हैंडशेक, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो।
नोनी को नींद आ गई है, नोनी सो गया। नोनी सो गया है, मम्मी के पास है वो, मम्मी के और भाभी के पास है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मंदिर में आए हैं और प्यारा सा व्यू हमारे गांव का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली सारी लेडीज़ मिलके खुशी से गीत गाती हैं, कुमाऊनी मंगल गीत पहाड़ी जो होते हैं फोक सॉन्ग्स, वो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में और देख देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। नोनी कुछ देर तो सोया था, उसके बाद वो भी उठ गया था और उसने भी ये सारी चीज़ें देख के मतलब काफ़ी इंजॉय किया। उसके लिए तो सब नया था, पहली बार ही वो देख रहा था और मैं भी काफ़ी सालों के बाद घर आई थी तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख कर। दोनों को प्रसाद खाना है, नोनी को प्रसाद बहुत पसंद आ रहा है, नोनी का मुंह देखो। पूजा कंप्लीट हो गई थी बहुत अच्छे से, उसके बाद खाने पीने की बारी थी तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी पहाड़ी खाना, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पहाड़ी रायता दाल चावल ये सारी चीज़ें मिलती हैं और खासकर गांव में इस तरह का खाना मिलता है ना वो तो बहुत ही टेस्टी होता है, इस तरह के खाने की तो बात ही अलग होती है। तो बहुत ही टेस्टी खाना हम लोगों ने खाया और उसके बाद हम अपने ताई जी के घर आ गए थे और यहाँ पे दोनों बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना, इन दोनों में सिर्फ एक मंथ का गैप है और दोनों काफ़ी खुश थे। 2:30 बज गए हैं, अभी पूजा हो गई है और हम अभी जा रहे हैं हमारे पुराने घर की तरफ जहाँ हम बचपन में रहते थे। ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ अपने ब्लॉग्स में, ये हमारा पुराना घर। तो पुराने घर में अभी कोई रहता नहीं है, बस इसमें जानवर वगैरह बांधे हुए हैं ताई जी लोगों ने, और वैसे भी ना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, आई थिंक इसको 100 साल तो होने ही वाले हैं और पूरे घर में जगह जगह से दरारें भी आने लगी हैं, आप देख भी सकते हैं। तो इसीलिए ना अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बस खाली पड़ा हुआ है वो, और वैसे भी वो मिट्टी पत्थर से बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं ये वाले घर, और रहने के लिए ताई जी ने नया घर बनवा लिया है अपना, तो वो अपने नए घर में रहते हैं। दोनों की फुल मस्ती चल रही है। यू भी हाय हाय बोलो, हाय हाय बोल दो। ये देखो इसको डर भी नहीं लग रहा ऊपर जाते हुए, उल्टा चल रहा नंगे। और पहाड़ों की चाय की तो क्या कहने, जब साथ में सब लोग मिलकर इस तरह से बैठ के चाय पीते हैं, बातें होती है, तो ना पुराने दिन याद आ गए थे मुझे, बचपन में हम लोग इस तरह से करते थे, हमारे दादा दादी मतलब शाम के टाइम पे सारी लेडीज़ इकट्ठा हो जाती थी, एक दूसरे के घर जाते थे बैठने के लिए, चाय पीते थे, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। और गांव का माहौल ही ऐसा होता है, एकदम फ्रेंडली रहते हैं सब लोग एक दूसरे के साथ और घुले मिले रहते हैं, सबको एक चीज़ एक दूसरे के बारे में पता होता है और काफ़ी इंजॉय करते हैं। नोनी को भी आप देख सकते हैं, पहले तो बहुत सुस्त था क्योंकि उसको वोमिटिंग हुई थी, तबीयत ख़राब हुई थी इस वजह से, लेकिन गाँव के माहौल में आके वो भी काफ़ी खुश था और बहुत इंजॉय किया उसने भी ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें देख के बहुत खुश था वो। तो बस यहाँ पे तैयार हो गए थे हम सब लोग अपने घर जाने के लिए क्योंकि शाम हो गई थी और काफ़ी ठंड भी हो जाती है शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे पहली बार नोनी को लेके मैं घर पे आई थी ना, तो ताई जी ने बहुत सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट में दी हैं जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर बस विदाई की बारी आती है, जब लड़की घर से जाती है ना शादी के बाद तो दरवाजे पे चावल डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको डेली पूजना कहते हैं हमारे यहाँ, तो डेली पूजे बिना लड़की घर से बाहर नहीं जाती है। आए भाभी के घर पे, अभी गांव से आ गए थे हम लोग, शाम के 5 बज गए हैं। नोनी यहाँ पे है, हाय बोलो।
नोनी का बड़ा भैया पिता। तो भाभी अभी कॉफ़ी बना रही है, कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद जाएंगे अपने घर। भाभी के घर से हमारा घर ऊपर सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, ऊपर पे ही है। तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर। करीबन 6 बज गए हैं और हम लोग फाइनली घर पहुँच गए गाँव से। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन हमारा और पूजा बहुत अच्छे से हुई। काफ़ी सालों के बाद मैं अपने गाँव की पूजा में जा पाई और बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत खुश है वहाँ जाके। और खासकर मोनी को लेके गई मैं पहली बार, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो चलिए होपफुली आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। सब लोग कमेंट कर रहे थे नोनी अपनी नानी के घर कब जाएगा, तो फाइनली नोनी इज़ हेयर। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी को पहले बोलना होता है बाय बाय अपी।